नमस्कार, मैं कौशिक मेहता आपको शोले का वो अंग्रेज के जमाने का जेलर असरानी याद होगा, जो बोलता रहता था कि हमारे जासूस चारों ओर फैले हुए हैं। उसका एक खबरी था जो कैदी था और नायक का काम करता था, लेकिन जासूसी का भी काम करता था, लेकिन ये जासूसी का मजाकिया अंदाज था। वास्तव में जासूस बनना काफी मुश्किल बात है। आज तो टेक्नोलॉजी के सहारे जासूसी आसान हो गई है। चीन की साइबर जासूसी का चर्चा पूरी दुनिया में है। कई समाचार माध्यमों ने ये पर्दाफाश किया है कि भारत और देश के कई लोग, हजारों लाखों लोग जो VIPs थे, जो नेता लोग थे, जो उद्योगपति थे, कलाकार थे, सबके ऊपर जासूसी करता था चीन। हैकर्स के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आसान हो गया, लेकिन फिल इंटेलिजेंस आसान नहीं है। दुनिया में हर एक देश की अपनी जासूसी संस्थाएं होती है। रशिया अमेरिका के बीच शीत युद्ध चला कई वर्षों तक, उसमें भी इंटेलिजेंस का काफी उसकी महत्व की भूमिका रहती थी। लेकिन इसराइल की मोसाद सबसे बढ़िया जासूसी एजेंसी मानी जाती है, लेकिन फील्ड इंटेलिजेंस की बात है तो उसमें भारत का दबदबा रहा। 1968 में जब रो की स्थापना हुई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और उसके जरिए हमने खास करके पाकिस्तान में अपनी जासूसी जाल बिछाई और इससे हमें कई फायदा हुआ। अभी तो रो के 10,000 जितने कर्मचारी अधिकारी है और $150 मिलियन का फंड बजट है, लेकिन कर्मचारी की बात है तो उससे कहीं ज़्यादा उसके एजेंट होते हैं। पाकिस्तान में बहुत मोटी संख्या में हमारे एजेंट काम करते थे, करते आए हैं। लेकिन ये फील्ड इंटेलिजेंस बहुत मुश्किल बात है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो IPS भी है, उन्होंने भी पाकिस्तान में मुस्लिम बनकर 6-7 बरस तक अंडरकवर काम किया था और कई खुफिया जानकारी भारत को दी थी। तो ये जासूस बनना एक तरह से बहुत मुश्किल काम है, वो सब जानते हैं। हमारे यहाँ कई ऐसे किस्से हैं, सरबजीत से लेके कुलभूषण जाधव तक चर्चा है। सरबजीत का क्या हाल हुआ हम जानते हैं, उसके ऊपर तो एक फिल्म भी बनी थी। अभी तक कुलभूषण न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन 1971 के युद्ध के बाद जो कैदी हुए, कहीं अभी भी पाक जेल में है ऐसा कहा जाता है, और सरकार उसके बारे में कुछ नहीं करती ऐसा आरोप भी है। और दुविधा या तो कम नसीबी जो भी कहे, सैनिक सरहद पर शहीद होता है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपया और कई सरकारी रियायतें मिलती है। ये अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। लेकिन जो एजेंट के तौर पे काम करता है, वो पकड़ा जाए, वो मर जाए तो उसको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि वो रो या सेना के रजिस्टर में दर्ज नहीं होता, उसका कहीं कोई नाम नहीं होता। तो इसीलिए कई बार ऐसा किस्से हुए हैं कि हमारा एजेंट पकड़ा जाए और पाकिस्तान वो हमको सौंपने को राजी हो जाए तो हम ना बोलते थे कि ये हमारा कोई नहीं। ऐसे कई किस्से हैं। पंजाब के रूपलाल सहारिया एक एजेंट थे और उन्होंने 1974 से 2000 तक पाक जेल में गुजारे थे अपनी जिंदगी, अपने जिंदगी के महत्व के बरस। वो जब फिर वापस आए तो उसको लेने को लिए कोई तैयार नहीं थे। उसके भाई आके लेकर रहे ले गए थे। फिर उसने कोर्ट में केस किया था, 3-5 लाख रुपये उसको मिले थे। तो ये प्रॉब्लम ये है कि एजेंट का काम तो कई लोग करते हैं, लेकिन उसको कोई सिक्योरिटी नहीं।
आज किसान से लेकर क्लर्क तक सबको सिक्योरिटी चाहिए, किसी को एमएसपी चाहिए, किसी को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन इस काम में कोई सिक्योरिटी नहीं मिलता। वो खबर ही रहता है, उसको लॉन्च टू पाकिस्तान फॉर नेशनल इंटरेस्ट ऐसा कहा जाता है। और इसी एजेंटों ने हमारे लिए काफी कुछ काम किया है। बांग्लादेश का सृजन हुआ जो पाक के साथ लड़ाई हुई, तब रो के एजेंट की महत्व की भूमिका रही। जम्मू के एक बलवंत सिंह थे, सिपाही थे, फिर एजेंट हुए, और वो दूसरा नाम लेके वो पाकिस्तान में रहे, और उसकी बढ़िया कामगिरी थी और उसको 12-12 अवार्ड भी मिले थे। लेकिन 1988 में वो पकड़े गए, फिर छूटे, तो पाकिस्तान की जेल में उसके साथ बहुत अमानुषी व्यवहार किया गया। सबसे बढ़िया किस्सा है मोहनलाल भास्कर का, और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, मैं पाकिस्तान में जासूस था। ये किताब सबको पढ़नी चाहिए तो मालूम पड़ेगा कि एजेंट का काम कितना मुश्किल होता है। फिरोजपुर के रहने वाले, बीएड किया था और शायर भी थे, हरिवंश राय बच्चन के साथ उसके संबंध भी रहे थे। 1966 का एक किस्सा है, तब शहीद भगत सिंह 23 मार्च जो मनाते हैं उसकी समाधि पे पूरा कार्यक्रम रहता है, तो उन्होंने मन से पूरे जोश में अपनी कविता ललकारी कि तेरे लहू से सींचा है अनाज हमने खाया, ये जज्बा है शहादत है उसी से हमने पाया। उस कार्यक्रम में एक लश्करी ऑफिसर भी थे, उन्होंने भास्कर जी को बाद में बोला कि देश के लिए कविता पढ़ना आसान है, मरना कठिन है। क्या आपके आपके हृदय में, आपके दिलो दिमाग में भगत सिंह की तरह देश के लिए जान देने का जज्बा है? तब भास्कर जी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया था? बोले भास्कर जी की जब कभी भी सीमा पर गोली चले मुझे बुला लेना, मैं आपसे आगे रहूंगा और पीछे हटा तो मुझे गोली मार। बस फिर क्या था, उस अधिकारी ने नौकरी दिलवा दी, फिर वो एजेंट बने और मुस्लिम बन के पाकिस्तान गए, सुन्नत भी करवानी पड़ी, असनम नाम मिला। 18 बार वो पाकिस्तान गए, तो आप सोचिए क्या क्या इंफॉर्मेशन वो नहीं लाए। और 1968 में वो पकड़े गए, फिर 1974 में हो गया। वहाँ का भी एक किस्सा, अमानुषी व्यवहार तो वहाँ भी हुआ था, लेकिन उसकी जुबान नहीं कुछ बोली थी। जेल में थे एक पाक, वो पुस्तक में लिखते हैं, पाक मेजर थे एजाज मकसूद, उसने एक बार भास्कर जी को बोला कि भाई आप बता दीजिए ना क्या क्या आपने भारत को भेजा है। तो बोलते थे, मिस्टर भास्कर तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है, एक बरस भी नहीं हुआ, और इस काम में तो मौत ही आता है, तो क्यों आप पढ़े हुए? तो भास्कर जी ने क्या जवाब दिया कि साहब मौत तो एक दिन आनी ही है, मेजर साहब यू हैव लव फॉर योर कंट्री सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। मुंह नहीं खुला तो नहीं खुला, अमानुषी व्यवहार हुआ, उसको सजा पड़ी। फिर वो नसीब वाले थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच करार हुए और इसी के तहत वो छूट गए, तो ऐसी होती है फील्ड एजेंट की स्टोरी। उसका जो पुस्तक था उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी हुआ कि ए इंडियन स्पाई, और खुशवंत सिंह ने उसकी प्रस्तावना लिखी। जब मोहनलाल छूट के आए थे तब भी हमारी सेना ने इनकार कर दिया था उसको स्वीकार करने के। उसका बोलना ये था कि सोहनलाल भास्कर हमारा आदमी है लेकिन मोहनलाल भास्कर हमारा आदमी नहीं। फिर हरिवंश राय बच्चन ने उसकी मदद की थी और वो देश में आए। कई ऐसे एजेंट, कई ऐसी कहानियां,
मोहनलाल भास्कर की कहानी तो सस्पेंस, हॉलीवुड का सस्पेंस थ्रिलर ही समझ लो, ऐसा इसमें रोमांच है, थ्रिल है। कई ऐसे एजेंट है, उसका एक एसोसिएशन भी है, और पाकिस्तान जेल में जो हमारे कैदी अभी भी है, कई बरसों से वो जेल की सजा काट रहे हैं, उसके लिए हमारे सौराष्ट्र राजकोट के एक एडवोकेट थे हाईकोर्ट के, एम के पॉल, उन्होंने काफ़ी मुहिम चला रखी थी और काफ़ी मदद भी की थी इस कैदियों के परिवारजनों के लिए। लेकिन आज भी ये सवाल तो खड़ा है, जो कैदी है, जो एजेंट है, जो वहाँ की जेल में सड़ते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, और ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा काम क्यों करते हैं? उसको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उसको कोई ऐसे बहुत बड़े पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन उसका जज्बा है, देशभक्ति है, तो वो देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। आज भी कई ऐसे एजेंट काम करते हैं जिसको फील्ड एजेंट बोले जाता है, तो इसके लिए हम क्यों नहीं करते, हमारी सरकार क्यों नहीं कुछ कर सकती, ऐसा कोई फंड क्यों, जैसे कि महामारी या आपत्ति आती है तो पीएम केयर फंड या कुछ ऐसा बनाया जाता है, तो इस एजेंट के लिए, इसके परिवार के लिए ऐसा कोई फंड क्यों नहीं होता? रो में कहते हैं कि ऐसा फंड थोड़ा बहुत होता है, सेना में भी होता है, लेकिन ये एजेंट हो और इसके परिवार को काफ़ी कुछ मिलता नहीं, ये देश के लिए मर मिटते हैं, दुश्मन देश में जाके कई मुश्किलात का सामना करते हैं और हमारे लिए खुफिया जानकारी इकट्ठी करते हैं, तो हमारी भी जवाबदेही है कि हम उसके लिए कुछ करें, ऐसे एजेंट और उसके परिवार को जीने की सिक्योरिटी मिले, जैसे कि हर एक जवान को, सैनिक को मिलता है, ऐसा ही एजेंट के लिए कुछ होना चाहिए। इस पर्दे के पीछे जो काम करते हैं, इस एजेंट की देशभक्ति को कहाँ हम ये खोखले राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये सच्ची राष्ट्रवाद के देश के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार, उसकी देशभक्ति, उसका जज्बा, हम उसको सलाम करते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे।